अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की टीम जो है वो आज का मैच हार गई, और चाहे हारे चाहे जीते, जो उनकी पोजीशन थी वो यही थी कि ये टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकती। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 337 रन्स किए 9 विकेट्स पे, ठीक है, और सारे लड़के फॉर्म में आ गए इस मैच से पहले। जिस तरीके से इंग्लैंड ने परफॉर्मेंस दी थी, मैंने पहले कह दिया था ये पाकिस्तान के लिए बड़ा डेंजरस हो सकता है, जो कि वो हुआ। बेन स्टोक ने इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल गलती से सबसे ज़्यादा रन किए, 84 रन किए। फिर जो रूट ने भी 60 कर दिए। जॉनी बेस्टो पूरे वर्ल्ड कप में आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने भी आज 59 रन की जो है वो इनिंग खेल ली। हैरी ब्रुक ने 30 रन, जॉस बटलर ने 27 रन। उसके बाद जिस तरीके से हम अपने फास्ट बॉलर्स की बात करते रहे हैं कि बहुत ही बेकार, थकी हुई, कोई जिस टाइम विकेट्स चाहिए स्पेशली नए बॉल्स पे, वो बिल्कुल शाहीन हो गए। हारिस रऊफ हो गए बिल्कुल बेकार, जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बॉलिंग की। आज के मैच में देख लें, 10 ओवर में 72 रन 2 विकेट, बाद में आके शाहीन ने 2 आउट किए। सर्किल में बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं। हारिस रऊफ का भी 10 ओवर में 64, 3 आउट किए, लेकिन इस आउट के कोई जो है वो फ़ायदा नहीं है। उसके बाद शादाब साहब इंजरी के बाद दोबारा आए, ठीक है, कंकशन की बात हो रही थी, पता नहीं कैसा था ये, आप चेंज नहीं कर पाए, या इब्रार को आप खिलाना नहीं चाहते थे, जानबूझ के उसको खिलाना नहीं चाहते थे कि रिज़र्व में उसको शादाब की जगह लेके आ जाए। सियासत तो नज़र आती है टीम के अंदर, ठीक है, 10 में 57 दिए। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी 10 में 74 रन दिए, 2 जो है वो विकेट्स। उसके बाद अगर हम बैटिंग की बात करते हैं, बैटिंग में देख लें आप, फिर वही पाकिस्तान के 191 पे 9 आउट हो गए हैं। बाबर आजम आज फिर कुछ नहीं कर सके, फिर 38 रन पे इतना अच्छा खेल रहे, फिर वही बैट शॉट, पीछे बॉल मारो ऊपर मारो ना यार, उसको दबाने की कोशिश क्यों रखी हो। स्पिनर्स पे भी इसी तरह आउट हुए इस पूरे टूर्नामेंट में। मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को किसी भी एक आध इनिंग, अगर मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे लगता बाबर आजम को किसी बॉलर ने आउट किया। हर इनिंग में वो अपनी गलतियों से आउट हो रहे हैं। जितने उन्होंने रन्स किए 200 से 300 पक्के उन्होंने जो है वो मिस किए। तो जिन चीज़ों पे बाबर आजम इतना अच्छा प्लेयर, जिन चीज़ों पे आउट हो रहा है, उन चीज़ों पे वर्क करो। ऐसा नहीं हो कि भाई बायलैटरल सीरीज़ में आप रन्स कर रहे हैं, जब बड़ा इवेंट आता है आप टीम के लिए कुछ नहीं करते। तो बाबर आजम को सोचने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं किया इस पूरे टूर्नामेंट, फिर भी 315-320 रन किए हैं, ठीक है, 40 की एवरेज है 9 मैचेस में। आप ये देखें कि बाबर ने कुछ नहीं किया, 82 का स्ट्राइक रेट, किया कुछ भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी देखो कि अगर ये बाबर आजम नहीं, इसको माइंड में रखो, एक नॉर्मल प्लेयर रखो, उस हिसाब से बाबर की एवरेज, बाबर के रन्स, ये फिर भी बहुत अच्छे हैं। ये तो जाहिर बात है एक्सपेक्टेशन हमारी बाबर से इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं नहीं जी 200-300 होने चाहिए थे। इफ्तिखार अहमद साहब की बात करते हैं, माशाल्लाह 30 ओवर अभी हुए थे, माशाल्लाह 2-3 बॉलें खेली, भाई साहब मार के आउट हो गए। यही चीज़ मैं कहता हूँ, हार्दिक पांड्या हो गया, दूसरे प्लेयर हो गए, जिस तरह मिचेल मार्श ने आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है, 177 रन किए हैं 132 बॉल पे, ठीक है। तो भाई वो जिस तरीके से खेलते हैं तो आपको भी इसी काम के लिए रखा हुआ है, लेकिन आप फिर शायद हम अपने आप को गलत, हमें बोलना चाहिए कि उस लेवल के लोग प्लेयर ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो तप्पड़ ही नहीं है, वो शॉटें ही नहीं है, जिसकी वजह से हम उम्मीद ही मत लगाएं इनसे, ठीक है। आपके स्पिनर्स ने, अभी मैं सारी डिटेल बताता हूँ आपको, ओपनर इमाम ये वो कुछ, ये इस लेवल के नहीं है, हमारे क्रिकेटर इस लेवल के है ही नहीं। लेवल के जो प्लेयर्स हैं वो टीम से बाहर हैं, वो कब आएंगे टीम में वापस ये हमें नहीं पता। और इंग्लैंड के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है कि इंग्लैंड जो है वो इस टूर्नामेंट, ये मैच जीत के कम से कम चैंपियन ट्रॉफी 2025 की थी जो, उसमें उनका एंट्री हो गई है, वरना ये भी मैच हार जाते 2025 के लिए वो फारिग हो जाते। अभी भी मैं समझता हूँ टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में टीम नहीं आई, लेकिन टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जो है वो साइड है इंग्लैंड की, ठीक है ना। अगर ये अच्छा खेलती तो ज़रूर सेमीफाइनल में आती। अब मैं आपको ज़रा बता देता हूँ हमारी टीम की परफॉर्मेंसेज क्या रही। शाहीन साहब की नए बॉल से परफॉर्मेंसेज जो है वो देख लो। पहले स्पेल में 4 ओवर में 21 रन, कोई आउट नहीं, 4 नैदरलैंड के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ 4 ओवर 25, कोई आउट नहीं, इंडिया के खिलाफ 4 ओवर 32, 1 आउट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 ओवर 14 रन, कोई आउट नहीं, अफगानिस्तान के खिलाफ 4 ओवर 20 रन, कोई आउट नहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 ओवर 26 रन, 1 आउट, बांग्लादेश के खिलाफ 5 ओवर में 10 रन, 2 आउट, न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 ओवर 28 रन, कोई आउट नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ 5 ओवर में 27 रन, कोई आउट नहीं। ये मैं सिर्फ नए बॉल से, जो पहले स्पेल की बात है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिस पे हमें चाहिए था कि शाहीन जो नए बॉल से हमें विकेट्स लेके देता था पहले, वो उसने कुछ नहीं किया।
नए बॉल से 38 ओवर्स किए हैं शाहीन ने, 203 रन्स दिए हैं, सिर्फ 3 विकेट्स लिए हैं और इसमें से भी 2 विकेट्स बांग्लादेश के खिलाफ है। आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं शाहीन की। उसके बाद हारिस रोफ की बात करते हैं, मेरे ख्याल से टूर्नामेंट का या पता नहीं हिस्ट्री का सबसे महंगा जो है वो बॉलर हो गया। 500 से ज़्यादा रन उसने दे दिए इस पूरे 9 मैच में टूर्नामेंट में। हारिस रोफ की पहले स्पेल की ज़रा बॉलिंग देख लें, 3 ओवर 11 रन कोई आउट नहीं, 3 ओवर 22 रन कोई आउट नहीं, 4 ओवर 34 रन कोई आउट नहीं, 1 ओवर 24 रन कोई आउट नहीं, ठीक है, 1 ओवर 17 रन कोई आउट नहीं, 3 ओवर 23 रन कोई आउट नहीं, 2 ओवर 18 रन एक आउट, 4 ओवर 28 रन कोई आउट नहीं, 3 ओवर 31 रन कोई आउट नहीं। इन्होंने भी जो सारे मैचेस खेले हैं ये परफॉर्मेंसेस थी इनके पहले स्पेल में। पहले स्पेल में 24 ओवर किए, 208 रन दे के सिर्फ 1 विकेट लिए। ये वो हमारे बॉलर्स थे जो इस टूर्नामेंट से पहले वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक थी और ये हमारी बेस्ट बॉलिंग अटैक थी जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम ने बाबर आजम की कप्तानी ने इतना ज़्यादा जो है स्ट्रगल किया। उसके बाद स्पिनर्स पे आ जाते हैं, नवाज साहब ने 5 मैच खेले सिर्फ 2 आउट किए, शादाब साहब ने 6 मैच किए सिर्फ 2 जो है वो आउट किए। और आप ये देख सकते हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो स्पिनर्स ने परफॉर्मेंसेस दी हैं मेरे ख्याल है वो आउटस्टैंडिंग जो है वो परफॉर्मेंस थी। हमारे जो है वो स्पिनर्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल पैथेटिक और ज़ीरो थी, क्योंकि जिस जगह पे ये क्रिकेट खेलने जा रहे थे इंडिया में वहाँ तो स्पिनर्स के बगैर आपका गुजारा ही नहीं है। और हमारे इतने दलेर सिलेक्टर इतने बड़े लोग थे कि जो स्पिनर्स के बगैर वहाँ चले गए और बगैर परफॉर्मेंसेस के। इस वर्ल्ड कप से पहले जो हमारे स्पिनर्स खेल रहे थे, हम पहले से खेल रहे थे ये इस लेवल के है ही नहीं कि वहाँ जाके कुछ करेंगे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो थकी हुई परफॉर्मेंस जो है वो देंगे, जो कि उन्होंने बहुत ही डिसअपॉइंट किया है शाहीन ने और स्पेशली हारिस ने। अब करना क्या है, अब बात ये है कि क्या अब बाबर आजम कंटिन्यू रहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तो कप्तानी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने भी बोला और उनको भी पता है कि मेरी कप्तानी बिल्कुल अच्छी थी और मैं अपनी कप्तानी में ही रैंकिंग में रहा हूँ, 2.5-3 साल पहले नंबर पर मेरी टीम जीतती रही है। एजेंडा चल रहा है बाबर आजम के ख़िलाफ़, इसको हटाओ किसी ना किसी तरीके से। और जो लोग एजेंडा चला रहे हैं ना, मैं उनसे पूछूंगा उस टाइम जब उनकी मर्ज़ी का कप्तान होगा, जब वो गलत कप्तानी करेगा इनके मुंह से कभी भी नहीं जो है वो निकलेगा कि भाई ये कप्तानी बुरी कर रहा है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी का है। 1 से 2 जगहों पे 1 से 2 चैनल्स पे तो खुलेआम एजेंडा चल रहा है बाबर आजम के ख़िलाफ़, और उनकी मर्ज़ी के जब कप्तान आएंगे वो कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं होंगे। क्रिकेट बोर्ड ने जो किया इस पूरे वर्ल्ड कप में बाबर आजम के साथ, सोशल मीडिया का जो एजेंडा का प्रेशर बाबर आजम और उसकी टीम के ऊपर, भारत में जो टीम गई उनका जो प्रेशर, तो जब देखें आजकल के दौर के अंदर जो भी पाकिस्तान टीम का कप्तान बनेगा ना उसके लिए आसान नहीं है। हम जिस तरीके से सोशल मीडिया हमारे लोग चलाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा तो सोशल मीडिया के लोग हैं, चमचे ज़्यादा तगड़े हैं, ठीक है, क्रिकेटर ज़्यादा तगड़े हैं, पीसीबी तो इतना स्ट्रांग ही नहीं, वो तो नीचे लग के रहता है सबके, ठीक है। तो बात ये है, खान साहब की इमरान खान की बातें करते हैं, ओ भाई उस दौर में डिफरेंट चीज़ थी, उस सोशल मीडिया नहीं था, सब कुछ इमरान खान थे, मैनेजर, कोच, कप्तान, पीसीबी, सिलेक्टर बैटर सब वो थे, अपनी मर्जी से खिलाते सब। अगर आज के दौर में इमरान खान होते ना, मुझे नहीं लगता वो इतने ज़्यादा तगड़े होते, क्योंकि उनको कप्तानी करने ही नहीं दिया जाता, 1-2 सीरीज हारते उसके बाद फारिग, ठीक है, 5-6 साल 7 साल बाद पता नहीं कितने अरसे के बाद तो वो बंदा वर्ल्ड कप जीता है। तो क्या अगर वो इतना अच्छा कप्तान थे तो क्या वर्ल्ड कप जितवा के देते ना? ऐसा नहीं होता, कप्तानी आप कुछ अरसा करते हैं, टाइम लगता है, फिर उसके बाद आप इवेंट जीतना शुरू करते हैं। इस उनसे अच्छा तो मेरे ख्याल बाबर आजम की थी, उन्होंने तो इस वीक टीम के साथ आपको 2 दफ़ा सेमीफाइनल पहुंचा दिया, 2 दफ़ा फाइनल में, तो इसमें क्या गलत जो है कप्तानी कर रहा है? क्या टॉस जो होता है हारता है उसमें ही बाबर आजम की गलत कप्तानी? नया बॉल जैसे ही करना शुरू करता है शाहीन, वो गंदी बॉलिंग करता है, क्या वो उस टाइम से गंदी कप्तानी करने लग जाता है? बॉलर को जिस बॉलर को बुलाता है वो मार खाता है, क्या बाबर आजम कहता है मार खाओ? बाबर आजम कहता है यार मार खाओ, मैं कह रहा हूँ मार खाते रहो। जो बैट्समैन कुछ नहीं करता, क्या बाबर आजम उसको कहता है कि भाई कुछ कर, कुछ नहीं तू करके आना क्योंकि मैं तुझे कह रहा हूँ आउट हो जा, नहीं रन्स करना, क्या बेवकूफ़ वाली सारे बातें करते हैं? सब एजेंडे के ऊपर बातें जो चल रही है, सब कुछ लोग एक जगह पे बैठ गए हैं, ठीक है, और वो जो लोग एक जगह बैठ गए वो सारे बाबर के ख़िलाफ़ हैं। तो जब सारे बाबर के ख़िलाफ़ है और जो एक आध नहीं भी होगा उसको भी अपनी तरफ कर लिया है, ठीक है, कि भाई तुम लोगों ने सिर्फ बाबर के अगेंस्ट बोलना, सिर्फ बाबर के अगेंस्ट बोलना, सबको पता है, कोई बच्चा नहीं है, सबको पता है किस टाइम से बाबर के खिलाफ एजेंडा बनना शुरू हुआ, ये सबको पता है। उस टाइम से हर जगह पे एजेंडा बन रहा है,
हर जगह पे एजेंडा बनाओ, इसको कप्तानी से और इसको कप्तानी से। मेरी रिक्वेस्ट है बाबर आजम से, स्ट्रांग रहना, वीक मत आना, हल्के मत आना, एंड तक जाना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे ही तुम्हें कप्तानी से नहीं हटा सकता क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है। बहुत से किस्म के माहौल बनाया जाएगा, ऐसा सिस्टम बनाया के जाएगा, तुम्हें मजबूर किया जाएगा, लेकिन तुमने डट के रहना है क्योंकि तुम्हारी कप्तानी से कोई नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान टीम को। ये सिर्फ एजेंडा है कि तुम्हें जलील करके तुम्हें कप्तानी से हटवाओ, क्योंकि पाकिस्तान टीम हो या दुनिया की कोई टीम, जब हारती है तो सब इन्वॉल्व होते हैं। हेड कोच भी इन्वॉल्व था, डायरेक्टर भी इन्वॉल्व था, चीफ सेलेक्टर भी इन्वॉल्व था, प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे, सब इन्वॉल्व थे, खाली तुमने ये काम नहीं किया। तो डट के रहना, छोड़ना नहीं, इनकी नींदें सबकी तुमने ख़राब करनी है, सही है ना। तो बात ये है कि ये पूरी ओवरऑल आपकी टीम की परफॉर्मेंस थी। ओपनर हमारे थके हुए बिल्कुल, स्पिनर हमारे थके हुए, नीचे कोई हिट पावर हिटर है ही नहीं हमारे पास, तो भाई ऐसे ही होगा। डग आउट में कोई प्लेयर नहीं है, तो फिर जब ऐसी टीम जाएगी तो फिर कैसे आपकी टीम वर्ल्ड कप जो है वो जीतेगी। आप देखना, चमचागिरियाँ शुरू हो जाएंगी, कमेटियाँ बनेंगी वर्ल्ड कप के बाद, वो ये वो, बोर्ड में से किसी को कोई नहीं रिज़ाइन करेगा, ठीक है। अब वर्ल्ड कप के दौरान चीफ सेलेक्टर के पीछे पड़ गए, अब टीम आएगी, ठीक है, अब उसके पीछे जो है वो पड़ जाएंगे, बाबर के साथ मीटिंगें होंगी, फलाना करेगा, ये करेगा, प्लेयर्स को फारिग करने की पूरी कोशिश होती है, ठीक है। क्रिकेट बोर्ड में किसी कोई फारिग नहीं है, सारे बड़े सीधे हैं और सब जो है वो ठीक है। जब तक इलेक्शन नहीं होगा, जब तक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मेरिट पे नहीं आएगा, आपकी क्रिकेट सिस्टम कभी भी जो है वो ठीक नहीं हो सकता। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।